जी नमस्कार वालेकुम अगर मैं आप लोगों में सबसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि ना तो मीडिया ने पकड़ी है इस बात को ना हिंदुस्तान की जनता ने पकड़ी है रियो ओलंपिक्स के अंदर जो भी एथलीट्स गए थे आप लोग अगर उनकी ड्रेसेस देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है वो लोगो है लीनिंग कंपनी का जो कि चाइना में है और बहुत बड़ी कंपनी है जो स्पोर्ट्स फेयर बनाती है मेरा क्वेश्चन ये है अगर ये पता था कि ओलंपिक्स होने वाले हैं क्या इंडिया की इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि स्पोर्ट्स फेयर बना सके मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एडवर्टाइज करने के लिए इसकी मार्केटिंग करने के लिए कितना अभी तक पैसा लग चुका है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है अभी तक स्पोर्ट्स अपन लोग नहीं बना पा रहे हैं आप सोचिए यह काम फ्री में हो सकता था अगर वो बब्बर शेयर होता जितने भी स्पोर्ट्स वाले वहां गए थे 124 लोग या पूरा कंटिजेंट गया था और कोचेस गए थे स्टाफ गया था अगर वो सारे के सारे वो बब्बर शेर पहनते और पूरी दुनिया के एथलीट्स को देखते और पूछते बब्बर शेर क्या है वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट होता इंडिया इस बात को चूक गया इंडिया की मीडिया चूक गई इंडिया की पब्लिक चूक गई किसी ने नहीं कहा हमने कहा था आप लोगों को कि हम लोग इंडिया पर बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है और ये हमने क्लोजली वॉच करके बता दिया है लीनिंग कंपनी है चाइना के अंदर है बीजिंग के अंदर है बहुत बड़ी कंपनी है स्पोर्ट्स वेयर बनाती है इंडिया का एथलीट्स का स्पोर्ट्स का जो भी इक्विपमेंट था उन्होंने जो ड्रेसेस बनाई हैं चाहे वो शर्ट्स पहनी या उन्होंने स्वेट शर्ट्स पहनी सारा का सारा लीनिंग कंपनी ने बनाया था विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इतना बड़ा स्टेज मिला था ओलंपिक्स आप लोगों को जहाँ पे क्लियरली वो बब्बर शेयर का एडवर्टाइजमेंट हो सकता था बिना पैसे के बिना पैसे के हो सकता था इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपनी सरकार जो है वो इतना पैसा खर्च करती है पूरी दुनिया में जाके वो बब्बर शेर के लोगों लगते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लगते हैं मगर जहां पे करना चाहिए था वहां करे नहीं दूसरी बात बता देता हूं जितने भी बीजेपी वाले हैं एक बात कान खड़ के सुन लीजिए मेरी बात कोई भी कमेंट करें उसके पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए मैं आपको प्रूफ ये दे सकता हूं कि ये लोगो यूज हुआ है थोड़ा सोच समझ के आपको जो भी जवाब देना है एक बार ये सोच समझ के देना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है आप भी उतने ही देश से मोहब्बत करते हैं जितना हम करते हैं फ़र्क इतना है कि आप लोगों की अगर ये जो भी सरकार चल रही है वो आपकी है इसका मतलब ये नहीं कि देश आपकी जेब में है देश आपकी जेब में नहीं है अभी भी कोई गलती होंगी तो हम बताएंगे और ये बहुत बड़ी चूक है इंडिया की थैंक यू सो मच